हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड, ये जो लेनोवो का U4170A आपका जो लैपटॉप होता है फ्रेंड, इसका बूट ऑप्शन आप कैसे एंटर कर सकते हैं। तो बूट ऑप्शन जैसे कि एज यूजुअल लैपटॉप में आप एंटर करते हैं, सेम तरीका ही होता है। तो इसमें ऐसा है कि फ्रेंड, इसमें F2, F12, F1 ये सब जो भी प्रेस करते हैं, ये शायद केवल केवल प्रेस करने से बायोस में नहीं जाता है। इसके लिए एक अल्टरनेट की और भी प्रेस करना होता है, जिसको प्रेस करने के बाद आप F2 प्रेस करेंगे तभी आपका ये बायोस में इंटर कर पाएंगे फ्रेंड। तो ये हम बताएंगे आपको कैसे करेंगे। इस मॉडल के लेनोवो का मॉडल है, इस लैपटॉप को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं और हम आपको बताएंगे ज़रूर। AFN का जो आप की देखते हैं फ्रेंड, ये लैपटॉप काफ़ी पुराना है और टूटा हुआ भी लैपटॉप है, लेकिन सर्विस में आया हुआ फ्रेंड, और इसे फॉर्मेट करना है तो हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं। इसका बूट ऑप्शन जो थोड़ा सा हटके है, बहुत सारे सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें हम गाइड करते हैं। तो लैपटॉप को चालू करके FN और F2 प्रेस करेंगे फ्रेंड, तो बायोस में हमारा ये आपका एंटर होगा। तो हम लैपटॉप देखिए ऑन किए हैं और FN प्रेस करके F2 प्रेस करते हैं कंटिन्यू। तो ये क्या है कि फ्रेंड, हमारा लैपटॉप जो है ये बायोस में इंटर हो गया है। तो ऐसा है कि बायोस में इंटर होने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बूटेबल पेन ड्राइव जो होता है फ्लैश ड्राइव, उसे अपना फर्स्ट डिवाइस में रखते हैं, सेकंड में हार्ड डिस्क रखते हैं, SSD रखते हैं, जो आप सेटिंग करना चाहते हैं आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो सेटिंग आप अपना बायोस में जाके कर लिए हैं, और इसे एग्जिट करना चाहें सेव करके तो सेम तरीका होता है, F10 करके होता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि FN प्रेस कीजिएगा और F10 प्रेस कीजिएगा। तो FN को प्रेस करने के बाद ही आपको कर सकते हैं, जैसे F2 हम प्रेस किए बायोस में जाने के बाद, सेम तरीका एग्जिट होने का, सेव करने का है। FN और F10, F10 जो ऊपर का की दिया हुआ रहता फ्रेंड, सेम आप क्लिक उसे क्लिक करने के बाद एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट एंड सेव। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।